बुखारी शरीफ की हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ना डराया, और मैं भी तुम्हें दज्जाल के फितने से डराता हूँ जिस तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में एक ऐसी बात बताऊँगा जो किसी नबी ने पहले अपनी कौम को नहीं बताई, और वो ये है कि दज्जाल काना होगा, यानी उसकी एक आँख ख़राब होगी, और अल्लाह इससे पाक है, यानी कि दज्जाल जो है वो खुदाई का दावा करेगा, नऊज़ु बिल्लाह वो ये दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा अल्लाह इससे पाक है, तुम्हारा अल्लाह काना नहीं है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहान है, पाक है, वो हर कमी कोताही कजी गुमराही और हर शॉर्ट कमिंग और हर मोहताजी से पाक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह कौन है? अल्लाह एक है। अल्लाहुस्समद अल्लाह बेनियाज है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं और आप ईमान लाएँ या ना लाएँ उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह इससे बेनियाज है कि उसकी कोई मोहताजी हो, वो खाना खाए, उसको ऊँग आए या नींद आए। ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँग आती है ना उसको नींद आती है, ना उसके अंदर कोई कोताही है ना उसको कोई कमी है, ना उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो खाना खाए, ना उस चीज़ की ज़रूरत है लम यलिद वलम यूलद कि ना उसकी कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है। अल्लाह हर चीज़ से पाक है। इसी तरह अल्लाह ताला इससे भी मुबर्रा है, इससे भी पाक है कि नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह काना हो। जब दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और आपको उसको उसका कानापन नज़र आए, उसकी एक आँख आपको नज़र आए कि वो ख़राब है, तो आप फौरन समझ जाएँ कि ये काना दज्जाल है। और इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दज्जाल है जब वो ज़ाहिर होगा तो एक शख्स का, एक ईमान वाले का उससे सामना होगा, और वो ईमान वाला शख्स उससे कहेगा कि मैं गवाही देता हूँ कि तू दज्जाल है। तो दज्जाल अपने मानने वालों से कहेगा कि क्या अगर मैं इसको मार कर फिर ज़िंदा कर दूँ तो तुम लोग मानोगे? तुम्हारा ईमान नऊज़ु बिल्लाह मेरे ऊपर और ज़्यादा हो जाएगा कि मैं ही खुदा हूँ? तो उसके मानने वाले कहेंगे हाँ बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप इसको मार कर ज़िंदा कर दो तो हम तुम्हें खुदा मज़ीद अच्छे तरीके से मानेंगे। तो दज्जाल उस शख्स को चीर के दो टुकड़े कर देगा और उसके टुकड़े ज़मीन पर फैला देगा, और फिर उन टुकड़ों के दरमियान में से गुज़रेगा और दूसरी तरफ से फिर वापस आएगा, और फिर वापस आने के बाद उस शख्स को कहेगा कि उठ के खड़ा हो जा, और वो शख्स ज़िंदा हो जाएगा, वो शख्स दोबारा ज़िंदा हो जाएगा। फिर दज्जाल अपने मानने वालों से कहेगा कि देखो मैं ही नऊज़ु बिल्लाह वो खुदा हूँ कि जो ज़िंदगी भी देता है मौत भी देता है। उसके बाद वो शख्स जब ज़िंदा होकर खड़ा हो जाएगा तो वो क्या कहेगा? अल्लाह ताला ने उसको ईमान की दौलत दी होगी, तो वो शख्स कहेगा कि मेरा ईमान और भी पुख्ता हो गया कि तू ही काना दज्जाल है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात तो हमें पहले बता दी थी कि वो इस तरह से एक शख्स को ज़बह करेगा, काटेगा और उसमें से गुजरेगा, फिर उसको ज़िंदा करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब मुतवातर अहादीस से, कई अहादीस से हमें ये पता चलता है कि फितना दज्जाल इतना बड़ा फितना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितना दज्जाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक वकू पज़ीर होने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है।